बार हमें देवेंद्र आपको अवगत करा दें, मध्य प्रदेश निवाड़ी जिला के ऐसे गांव में खड़े जोन गांव का नाम है मुड़ारा। मुड़ारा को जलंग दिखा दें जो सीधो तरीचर के लग जाता गाँव, आपको अवगत करा दें मध्य प्रदेश को चुनाव चरम सीमा पे हर गांव के अंदर, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, जनपद सदस्य हो या सरपंच को चुनाव हो, सब लोग अपने अपनी दावेदारी झोंक रहे हैं। तो ऐसे ही मुड़ारा क्षेत्र से, मुड़ारा गाँव से हमारे बीच में राजेश यादव जी पहली बार जिला पंचायत सदस्य को चुनाव लड़वे जा रहे हैं। आज ये जनसंपर्क करते करते मुड़ारा के ही गांव में मिल गए, देख सकते हो इनका पूरा जनसैलाब, ये कार्यकर्ता कह लो इन्हें या फिर ग्रामीण क्षेत्र कह लो, ये सब लोग इनके संग में, राजेश यादव जी के संग में। जानते हैं कि राजेश यादव जी को क्या मुद्दा है, जिला पंचायत सदस्य कहाँ लड़वे जा रहे हैं। अच्छा, नाम राम राम। मेरा नाम राजेश यादव जी, मैं जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 1 से नामांकन दाखिल किया है और क्षेत्र की जनता, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे साथ क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है और हमारा गांव साथ में है और 16 पंचायतें हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में आती हैं। हर गांव से हमें बहुमत प्राप्त है और बहुमत मिलेगा, जनता जनार्दन का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और आप गांव वालों से भी पूछ सकते हैं। दादा राम राम। राम राम। कहाँ हो? प्यारा जी बताओ, राजेश यादव जी कितने सटीक बैठ रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग सब डंका ठोक के रहेंगे साथ में। साथ में? हाँ। भरोसा है? भरोसा है हमें, आत्मा भरोसा है। बताओ अच्छा, आपको नहीं भाई सब के तन मन से धन से उन जो कमी हो वो बता दे। दादा क्या कह रहे हैं? दादा तन मन से रहेंगे और जो कमी रहेंगे वो साथ देंगे। हमारे बीच में दादा आप बताओ कौन है भाई साहब? हम लोग तो सब लोग जी बना कर के उन्हीं के साथ में है, अपने जितने भी प्रदर्शन दिखाएंगे सबको अच्छी तरह से करेंगे। कभी पहले देखे ना, देखे के जी बार देख रहा गांव में, ये पहली बार भी देख लो, अब की बार खड़े हुए हैं और जब नहीं भी खड़े भरते तो गांव का सहयोग करते, जिसकी जो भावनाएं थी वे भी पूरी करते, काऊ को कोई चीज की जरूरत है वो भी पूरी करता है। आप बताओ बच्चे, राजेश यादव भी चुनाव में खड़े, कितने वोट दोगे आप, कितने मतलब परसेंटेज? हम भाई साहब के साथ में हमारे बीच में और जुड़ जा रहा है गांव को। दादा राम राम। राम राम भाई। राजेश यादव जी खड़े हैं आपके गांव से जिला पंचायत सदस्य को चुनाव में, कैसे हैं जो प्रत्याशी? बढ़िया बढ़िया। भरोसा है का नहीं है तुम्हें इनके ऊपर? खूब भरोसा ही है। तुम बताओ बच्चा कैसे प्रत्याशी है जी? हमारे घर के आए हैं। बढ़िया है, बढ़िया प्रत्याशी है। बताओ बच्चा, दादा राम राम, कमी चलो बस, कैसे प्रत्याशी है जी? छोटा एक तरफ जिता रहा है तुम लोग। नहीं, वास्तव में जीतेंगे, गारंटी है। 70% वोट मिले मुड़ारा, 70% वोट मिले मुड़ारा। अच्छा, राजे भाई साहब जो बताओ, एक क्या हुआ है कि गांव के अंदर 16 गांव बता रहे हैं आपके, 16 गांव कौन कौन से आज? अपने मुड़ारा, देवंदपुरा, टीला, केना, जो हमारे पास ही में गांव लगे, इनमें से कोई प्रत्याशी नहीं है। हमारे ये चारों गांव मतलब एक साथ रहते हैं, कोई भी चुनाव हो तो एक साथ रहते हैं, जनपद हो चाहे जिला हो। इसके बाद अपना चुरारा, जो निवाड़ी की उस तरफ हो गया, चुरारा है, झिंगवरा है और अपना राजापुर, लड़वारी, मजरा, मकारा, बेल्ट, बोहा, जुगियाऊ, बासवान, ये सब गांव हैं। इनमें सभी में यादव बहुल की क्षेत्र है और हमारे साथ तो सभी बिरादरी हैं, चाहे कुशवाहा हो, अहरवार हो, प्रजापति हो, सभी बिरादरियों का हमें बहुमत प्राप्त होगा। 16 गांव से संबंध कब से बनाए रखे हैं आप? हम राजनीति में कम से कम 5 वर्ष से राजनीति में, 5 वर्ष। हाँ, तो सभी से संपर्क हैं और लोग बाग आते हैं निवाड़ी में, चूँकि हमारा निवास है, रहने वाले मुड़ारा के हैं, निवास निवाड़ी में बनाया है, तो तहसील में, कलेक्ट्रेट में, एसपी से, जहाँ जिसको ज़रूरत पड़ती है हम वहाँ पे जनता का साथ देते हैं और जनता का काम कराते हैं। मूलभूत समस्या पता करने का है वैसे? मूलभूत समस्या हमारे यहाँ वैसे अपने जो गांव हैं इनमें लाइट और बिजली की समस्या काफ़ी हो गई है। अब आदमियों के बिल आ रहे हैं और बिजली नहीं आ रही है, ट्रांसफार्मर फूक गए तो उनको रखा नहीं जा रहा है, बाकी नाली हैं, नाली बनाई नहीं गई हैं, सड़क पाइपलाइन कंपनियों द्वारा खोद दी गई, उसके बाद उनका दुरुस्तीकरण नहीं कराया गया, मरम्मत नहीं कराई गई, तो हमारी मुख्य मुद्दा यही रहेगा कि गांव में साफ़ सफाई और नाली और लाइट की व्यवस्था पहली प्राथमिकता।